Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal on Thursday announced that schools and colleges in the national capital where exams are not being held will remain closed till March 31st as a precautionary measure to prevent the spread of novel coronavirus disease. The CM Arvind Kejriwal also said that cinema halls in Delhi will remain shut till March 31st due to coronavirus threat. एक तो ये कि सभी सिनेमा हॉल्स 31 मार्च तक के लिए बंद किए जा रहे हैं सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जहां पे एग्जाम्स नहीं है जो एग्जाम्स हैं बस वो चलते रहेंगे बाकी सभी स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए जाएंगे जो क्वारंटाइन करने के लिए सफिशिएंट बेड्स हम लोगों के पास हैं मतलब अगर किसी को आइसोलेशन में रखना है क्वारंटाइन करना है तो उसके लिए सफिशिएंट बेड्स का इंतजाम किया गया है उसमें जो हमारे दुसिब के खाली फ्लैट्स पड़े हुए हैं वहाँ इंतजाम किया जा रहा है जो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल्स थे जैसे बुराड़ी वगैरह में वहाँ पे भी हम क्वारंटाइन करने के लिए इंतजाम कर रहे हैं इसके अलावा 600 से ज़्यादा बेड्स 500 से ज़्यादा बेड्स ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल्स के अंदर तैयार हैं अगर मरीजों को जरूरत पड़ेगी उतने मरीज एडमिट करने की तो उनको एडमिट करने के लिए भी तैयार हैं तो दूसरा एक ये निर्णय लिया गया कि जितने भी एक आज इसको एपिडेमिक डिक्लेयर किया जा रहा है दिल्ली के अंदर कोरोना को और सभी पब्लिक प्लेसेस जितने हैं जैसे जितने सरकारी दफ्तर हैं जितने प्राइवेट दफ्तर हैं जितने मॉल्स हैं शॉप्स हैं सभी के लिए ये कंपलसरी किया जा रहा है कि डेली आप अपने अपने पब्लिक प्लेस को डिसइंफेक्ट करेंगे डिसइंफेक्ट करने के लिए वो मतलब अगर 100 लीटर पानी है तो 1% उसके अंदर वो मिलाना पड़ता है सॉल्यूशन उससे आप अपने अपने पब्लिक प्लेस को डिसइंफेक्ट करेंगे ताकि कोरोना से लोगों को बचाया जा सके सर कितने लोगों तो मेरी सभी लोगों से अपील है कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये इस बीमारी को देखते हुए कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे Meanwhile, Delhi on Thursday recorded the sixth positive case in the national capital. Total number of novel coronavirus cases reached 73 on Thursday in India, data provided by the Ministry of Health and Family Welfare said. Of these 56 are Indian nationals and 17 are foreigners. The World Health Organization WHO, on Wednesday, declared the novel coronavirus outbreak, which has spread to at least 114 countries around the world, a pandemic. On Wednesday evening, India suspended most visas including visa-free travel facility extended to Indian origin foreigners from Friday to the 15th of April in an effort to stop instances of incoming travelers spreading the infection in the country.